रीवा राजनिवास में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला महंत रामदास महाराज सिंगरौली में गिरफ्तार हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर डीएसपी राजीव पाठक और टीआई यूपी सिंह की टीम ने घेराबंदी करके इस बलात्कारी बाबा को पकड़ा है। खबर है कि यह बाल और दाढ़ी बनवाकर भेष बदलकर भागने की फिराक में था। नेता, पुलिस अधिकारी, बिल्डर, कई लोग इस हाई प्रोफाइल बाबा के भक्तों में शामिल हैं। रीवा के सर्किट हाउस में रेप का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई थी। रेप का आरोपी एक तथाकथित बाबा है जो कथावाचक का काम करता है। इस हाई प्रोफाइल बाबा के जिले के प्रभावशाली नेताओं और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध हैं। इन सभी लोगों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नाबालिग लड़की से सर्किट हाउस में दुष्कर्म के आरोपी बाबा का नाम महंत सीताराम दास है। वह बड़ी गद्दी का महंत है। वह एक कार्यक्रम में शामिल होने रीवा गया था और सर्किट हाउस में रुका था। सर्किट हाउस में आमतौर पर राजकीय मेहमानों और अधिकारियों को रुकने की अनुमति होती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा के जिले के प्रभावशाली लोगों से और प्रदेश के प्रभावशाली लोगों से कैसे संबंध हैं। रीवा के आयुक्त अनिल सुचारी भी इस बाबा के मुरीद बताए जाते हैं। आयुक्त की भी सीताराम दास के साथ कई तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आयुक्त भी उसे श्रीफल देकर सम्मानित कर रहे हैं। तस्वीर में सुचारी ने मास्क लगा रखा है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह तस्वीर कोरोना काल की है। जानकारी के मुताबिक सीताराम दास जब भी रीवा आता था उससे मिलने के लिए इन लोगों की लाइन लगी रहती थी। इस बार भी वह एक बिल्डर के बुलावे पर रीवा आया था। समदड़िया बिल्डर्स के जिस कार्यक्रम के लिए बाबा आया था उसके लिए बाकायदा आमंत्रण पर पत्र छपवाए गए थे। बाबा जहां कहीं भी जाता उसके साथ पुलिस की जवान सुरक्षा में लगे होते थे। ऐसी कई तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें पुलिसकर्मी आरोपी बाबा के आगे पीछे चलते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस आरोपी बाबा को सिंगरौली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या दुष्कर्म पीड़िता को न्याय मिल पाएगा या फिर यह बाबा अपने संबंधों का फायदा उठाकर अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों से बरी हो जाएगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी प्रतिक्रिया दें। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।